सो गाइज, आज के इस वीडियो में बात करेंगे हिंदी के आंसर की। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन सभी प्रश्न का आंसर 100% सही है। दोस्तों यह जो मेरे पास सेट है, यह है जी, आपके पास कोई भी सेट हो यह मायने नहीं रखता है, प्रश्न एक ही है, सिर्फ संख्या का इधर उधर हुआ है। तो चलिए मिलाते हैं आपका कितने सही और कितने गलत है, नीचे कमेंट करें। तो दोस्तों वीडियो को आखिर तक जब देखें, सो नमस्कार, मेरा नाम सोनू, आप देख रहे हैं एजुकेशन में गुप्ता जी यूट्यूब चैनल। हो सकता है हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन दबा दे, ताकि बिहार बोर्ड से संबंधित न्यूज और साथ ही तैयारी करने के लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे बिल्कुल फ्री। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज्यादा शेयर करें, और साथ ही फेसबुक ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करें, ताकि ऑल स्टूडेंट अच्छे से मिला सके, ताकि उसे भी अनुभव हो सके कि हमको इतना सही है और इतना गलत है। ठीक है, तो चलिए इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे चलिए देखते हैं प्रथम प्रश्न क्या है। दोस्तों यहाँ पे प्रथम प्रश्न है कि अमृत का पर्यायवाची है। दोस्तों इसका राइट आंसर की बात करिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुधा। तो दोस्तों आप ऑप्शन में भी गोला करके आए तो आपका आंसर सही है। ठीक है, अगले प्रश्न है दो नंबर। दोस्तों दो नंबर प्रश्न की मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कामू। दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया, तो आप ऑप्शन नंबर ए गोला करके आए तो आपका आंसर सही है। अगले प्रश्न है तीन नंबर। दोस्तों तीन नंबर प्रश्न की सात कोरी होता कथाकार है। दोस्तों इसका राइट आंसर की बात करिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़िया के। दोस्तों आप उड़िया के लगा के आए तो आपका आंसर सही है। अगले प्रश्न है फिर चार नंबर। दोस्तों चार नंबर प्रश्न की कमर कसना मुहावरे का अर्थ है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत परिश्रम करना। तो दोस्तों चार का सही आंसर का ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न है फिर पाँच नंबर। दोस्तों पाँचवा प्रश्न की दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1915 ईस्वी में। तो दोस्तों आप 1915 ईस्वी में गोला करके आए तो आपका आंसर सही है। अगले प्रश्न है आप छः नंबर। दोस्तों छः नंबर प्रश्न की शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है। तो दोस्तों ये भी प्रश्न काफ़ी ईजी भी है और काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ये सबको पता होगा कि शिक्षा और संस्कृति की रचना कौन है, तो महात्मा गांधी। तो दोस्तों छः का सही आंसर के ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न है फिर सात नंबर। दोस्तों सातवां प्रश्न की भारत से हम क्या सीखे क्या है। भारत से हम क्या सीखे क्या है। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भाषण। तो दोस्तों सात का राइट आंसर के ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों आप भाषण लगा के हैं तो आपका आंसर सही है। अगले प्रश्न है पी आठ नंबर। मैक्स मूलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा। तो इसका राइट आंसर की बात करिए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद ने। तो दोस्तों आठ का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न है पी नौ नंबर। दोस्तों नौ नंबर प्रश्न की द धीचित की हड्डी से क्या बना था। तो इसका राइट आंसर की बात करिए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इंद्र का वजह। तो दोस्तों नौ का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न है पी दस नंबर। दोस्तों दस नंबर प्रश्न की शर्म विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो दोस्तों यह हिंदी के प्रथम ही चैप्टर में यह शर्म विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो भीमराव अंबेडकर जी हैं। तो दोस्तों 10 का सही आंसर का ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न यहाँ पे 11 नंबर। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न यहाँ पे शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य है। तो इसका राइट आंसर की बात करिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राम ने पुस्तक खरीदा। तो दोस्तों आप ऑप्शन नंबर ए गोला करके आए हैं तो आपका आंसर सही है। अगले प्रश्न है आप 12 नंबर। दोस्तों 12 नंबर प्रश्न की नागरी लिपि के लेखक हैं, नागरी लिपि के लेखक हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुणाकर मूल्य। तो दोस्तों आप 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी गोला करके आए तो आपका आंसर सी हो गया। ठीक है, अगले प्रश्न है आप 13 नंबर। दोस्तों 13 नंबर प्रश्न की बहादुर का पूरा नाम क्या है, बहादुर का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों बहादुर का पूरा नाम है दिल बहादुर। दोस्तों इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न है आप 14 नंबर। दोस्तों 14 नंबर प्रश्न की परिणामवाचक विशेषण है। दोस्तों इसका राइट आंसर की बात करिए इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, थोड़ा सा। तो दोस्तों आप ऑप्शन नंबर सी गोला करके आए थोड़ा सा तो आपका आंसर सही है। अगले प्रश्न है आप 15 नंबर। दोस्तों 15 नंबर प्रश्न की परंपरा का ज्ञान किसके, परंपरा का ज्ञान किन के लिए आवश्यक है। दोस्तों इसका राइट आंसर की बात करिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, जो उपयोगी साहित्य की रचना न करे। तो दोस्तों परंपरा का ज्ञान किन के लिए आवश्यक है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो उपयोगी साहित्य की रचना न करे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न है आप 16 नंबर। दोस्तों 16 नंबर प्रश्न की मेरे बिना तुम पर वो कविता का हिंदी रूपांतर किसने किया। दोस्तों इसका राइट आंसर की बात करिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धर्मवीर भारतीय।
दोस्तों आपको याद कि मेरी बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतर किसने किया, तो धर्मवीर भारती। तो दोस्तों आप 16 का राइट आंसर ऑप्शन में डी लगा के हैं, तो आपका आंसर सही है। दोस्तों आपको 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से कितने, 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से आपको कितने सही होते, एग्जाम में तो इसे 60 में से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना होता है, तो आपको कितने प्रश्न सही है नीचे कमेंट करें। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें, और साथ ही फेसबुक ग्रुप व्हाट्सअप ग्रुप में भी शेयर करें ताकि ऑल स्टूडेंट अच्छे से मिला सके। और दोस्तों आप मॉडल पेपर संस्कृत का डाउनलोड करना चाहते हैं, नीचे वेबसाइट का लिंक दिया, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको आंसर की मिल जाएगा, वहाँ से भी आप मिला सकते हैं। ठीक है, तो अगले प्रश्न है आप ही 17 नंबर। दोस्तों 17 नंबर प्रश्न की कुबेर नारायण कवि है, तो इसका राइट आंसर की बात करिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर की बात करिए, कुबेर नारायण कवि हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्राम संवेदना के। तो दोस्तों कुबेर नारायण किसका कवि है, तो ग्राम संवेदना के। तो 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न है आप 18 नंबर। दोस्तों 18 नंबर प्रश्न की सेनापति कौन सा समास है, तो दोस्तों सेनापति तत्पुरुष समास है। तो दोस्तों 18 का राइट आंसर होगी ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न है आपको 19 नंबर। दोस्तों 19 नंबर प्रश्न की मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है, तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, मित्रता। तो दोस्तों आप ऑप्शन नंबर बी गोला कर गए हैं, तो आपका आंसर सही है। अगले प्रश्न है आपकी 20 नंबर। दोस्तों 20 नंबर प्रश्न की जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि का क्या नाम है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामधारी सिंह दिनकर। तो दोस्तों 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न है आपके 21 नंबर। तो दोस्तों 21 नंबर प्रश्न की बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 19 अप्रैल 1891 में। तो दोस्तों आप ऑप्शन नंबर ए गोला कर गए हैं, तो आपका आंसर सही है। अगले प्रश्न है आपके 22 नंबर। दोस्तों 22 नंबर प्रश्न की विश्व के दांत कहानी के रचयिता कौन है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नलिन विलोचन शर्मा। तो दोस्तों 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न है आपके 23 नंबर। तो दोस्तों 23 नंबर प्रश्न है कि मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भात की दर्शन कहाँ हो सकते हैं, तो इसका राइट आंसर की बात करिए, इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, ग्रामीण भारत में। तो दोस्तों आपको यह याद है मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भात के दर्शन कहाँ हो सकते हैं, तो ग्रामीण भारत में, तो आप नीचे अच्छे से मिला ले। ठीक है, ध्यान से सभी प्रश्न को मिला ले और नीचे कमेंट करें आपको कितने प्रश्न सही होते हैं। अगले प्रश्न है 24 नंबर। दोस्तों 24 नंबर प्रश्न की पराज्य में कौन सा उपसर्ग है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परा। तो दोस्तों 24 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न है आपकी 25 नंबर। दोस्तों 25 नंबर प्रश्न की किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कालिदास। तो दोस्तों आप ऑप्शन नंबर डी गोला करके हैं, कालिदास, तो आपका आंसर सही है। अगले प्रश्न है आपकी 26 नंबर। तो दोस्तों 26 नंबर प्रश्न की, तो दोस्तों 26 नंबर प्रश्न है कि मछली लेकर कौन भाग गया था, इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, संतु। ठीक है, तो मछली लेकर कौन भाग गया था, तो संतु। ठीक है, इसका राइट आंसर हो गया संतु। अगले प्रश्न है पी 27 नंबर। दोस्तों 27 नंबर प्रश्न की हिंदी भाषा की लिपि क्या है, तो दोस्तों हिंदी भाषा की लिपि क्या है, तो देवनागरी लिपि है। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न है पे 28 नंबर। दोस्तों 28 नंबर प्रश्न की बिरजू महाराज के चाचा का क्या नाम था, तो दोस्तों बिरजू महाराज के चाचा का क्या नाम था, तो शंभू महाराज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न है पे 29 नंबर। दोस्तों 29वां प्रश्न की जारशाही कहाँ थी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रूस में। तो दोस्तों आप ऑप्शन नंबर ए गोला करके आए हैं, रूस में, तो आपका आंसर सही। अगले प्रश्न है आपके 30 नंबर। दोस्तों 30 नंबर प्रश्न की दोहा कोष किसकी रचना है, तो इसका राइट आंसर की बात करिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूज में हो, लेकिन इसका राइट आंसर मेरे अंदाज से रसखानी होगा, तो आप किताब से मिला लीजिएगा। ठीक है, तो अगले प्रश्न है आपके 31 नंबर। दोस्तों 31वां प्रश्न की शुद्ध शब्द है, दोस्तों शुद्ध शब्द है, तो इसका राइट आंसर की बात करिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, शुद्ध शब्द ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, प्रकृति। ठीक है, तो 31 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न है आपकी 32 नंबर। दोस्तों 32वां प्रश्न के परिश्रम में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए, परी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगले प्रश्न है आपकी 33 नंबर। तो दोस्तों 33वां प्रश्न की हाथ खाली होना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गरीब होना। तो दोस्तों आप ऑप्शन नंबर डी गोला करके हैं, गरीब होना, तो आपका आंसर सही है। अगले प्रश्न है आपके 34 नंबर। दोस्तों 34 नंबर प्रश्न की 34 नंबर प्रश्न है
अवकाश शब्द में उपसर्ग है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अब। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर बी। तो आप गोला करके आए हैं बी, तो आपका आंसर सही। अगले प्रश्न है आपके 35 नंबर, हिरोशिमा किस देश में है। तो दोस्तों हिरोशिमा किस देश में है, तो जापान में है, ठीक है। अगले प्रश्न है आपके 36 नंबर, दोस्तों 36 नंबर प्रश्न है कि हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये संकुचित लज्जत प्रकृति किस कविता से उद्गत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्वदेशी। तो दोस्तों आप 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी गोला करके हैं, तो आपका आंसर सही है, ठीक है। अगले प्रश्न है आप 37 नंबर, तो दोस्तों 37 नंबर प्रश्न की रसकान किस विषय में स्थित थे। रसकान किस विषय में स्थित थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सवैया छंद में। तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न है आप 38 नंबर, दोस्तों 38 नंबर प्रश्न की अमराई का कुआं कहाँ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रास्ते में। तो दोस्तों 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न है 39 नंबर, दोस्तों 39 नंबर प्रश्न है कि पापत्ती की उम्र क्या थी। पापत्ती की उम्र क्या थी, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 12 वर्ष। तो दोस्तों पापत्ती की उम्र 12 वर्ष थी। अगले प्रश्न है 40 नंबर, दोस्तों 40 नंबर प्रश्न है कि सीता रुहासी क्यों हो गई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बहुओं की कलह से। तो दोस्तों 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न है आपके 41 नंबर, दोस्तों 41 नंबर प्रश्न है कि आवनियो किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों आवनियो किस नदी पर स्थित है, तो रोन नदी पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न है आपके 42 नंबर, दोस्तों 42 नंबर प्रश्न है कि मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है। तो इसका राइट आंसर की बात करिए, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निम्न वर्ग का। तो दोस्तों 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न है आपके 43 नंबर, दोस्तों 43 नंबर प्रश्न के बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नर्तक के रूप में। तो दोस्तों 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न है आपके 44 नंबर, दोस्तों 44 नंबर प्रश्न के भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। दोस्तों भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है सर्दी, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। तो दोस्तों आप राइट आंसर सर्दी लगाएं, तो आपका आंसर सही है। अगले प्रश्न है आपके 45 नंबर, दोस्तों 45 नंबर प्रश्न है कि अध्यात्मिकता शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हृदय की शिक्षा। तो दोस्तों आप ऑप्शन नंबर ए गोला करके हृदय की शिक्षा, तो आपका आंसर सही है। अगले प्रश्न है आपके 46 नंबर, दोस्तों 46 नंबर प्रश्न है कि मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मैक्स मूलर ने। तो दोस्तों 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न है 47 नंबर, दोस्तों 47 नंबर प्रश्न के मंगवा को किसने किससे विवाद था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बहू से। दोस्तों ये सभी प्रश्न काफ़ी इजी पूछे गए हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी प्रश्न अच्छे से सही बना के आए होंगे। नीचे कमेंट करिए आपको कितने प्रश्न सही हैं, ठीक है। अगले प्रश्न है 48 नंबर, 48 नंबर प्रश्न की लक्ष्मी के पति का क्या नाम था। तो इसका राइट आंसर की बात करिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लक्ष्मण। तो दोस्तों लक्ष्मण लक्ष्मी के पति का क्या नाम था, तो लक्ष्मण। तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न है 49 नंबर, दोस्तों 49 नंबर प्रश्न की किस नदी बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी देवी नदी के नीचे घर था। तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न है 50 नंबर, दोस्तों 50 नंबर प्रश्न की पापत्ती बेहोश क्यों पड़ी थी। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी तेज बुखार के कारण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी तेज बुखार के कारण। तो दोस्तों आप ऑप्शन नंबर बी गोला करके आए तेज बुखार के कारण, तो आपका आंसर सही है, ठीक है। अगले प्रश्न है आप 51 नंबर, दोस्तों 51 प्रश्न कि बहादुर अपने घर से क्यों भागा था। बहादुर अपने घर से क्यों भागा था, जिसका राइट आंसर की बात करिए, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी माँ की मार के कारण, ठीक है। अगले प्रश्न है आप 52 नंबर, दोस्तों 52 नंबर प्रश्न बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कथक, ठीक है। अगले प्रश्न है आप 53 नंबर, दोस्तों 53 नंबर प्रश्न अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 16 जनवरी 1941 ईस्वी में, ठीक है। अगले प्रश्न है आप 54 नंबर, दोस्तों 54 नंबर प्रश्न की विलोनव क्या है, जिसका राइट आंसर बात करिए, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एक छोटा सा गांव है, ठीक है। अगले प्रश्न है आप 55 नंबर, दोस्तों 55 नंबर प्रश्न की हमारी नींद कविता कहाँ से ली गई है। तो इसका राइट आंसर की बात करिए, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दुष्चक्र में शिष्टा से, इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न है आप
छप्पन नंबर। दोस्तों छप्पन नंबर प्रश्न की महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करमचंद गांधी। तो दोस्तों आप ऑप्शन नंबर डी लगा क्या है तो आपका आंसर सही है। अगले प्रश्न है संतावन नंबर। दोस्तों संतावन नंबर प्रश्न की राजगिरी कौन सा समाज है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समाज। ठीक है, अगले प्रश्न है अंठावन। दोस्तों अंठावन नंबर प्रश्न की निम्नलिखित में सर्वनाम है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मैं। तो दोस्तों सर्वनाम क्या है तो मैं, तो दोस्तों आप ऑप्शन नंबर सी गोला करके आए मैं, तो आपका आंसर सही है। अगले प्रश्न है उनसठ नंबर। दोस्तों उनसठ नंबर पर गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निर्गुण भक्ति धारा के कवि है। ठीक है, अगले प्रश्न है सात नंबर। दोस्तों सात नंबर प्रश्न की रस खान दिल्ली से कहाँ चले गए, दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्रज भूमि। तो दोस्तों आप ऑप्शन नंबर सी गोला करके आए को ब्रज भूमि, तो आपका आंसर सही है। तो दोस्तों यह था आज का हिंदी के आंसर की, जो कि बहुत इजी प्रश्न था, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से बना के आएंगे। दोस्तों आपको 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से कितने प्रश्न सही होते हैं नीचे कमेंट करें, और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें, और साथ ही फेसबुक ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, ताकि ऑल स्टूडेंट अच्छे तारीख अच्छे से मिला भी सके। और कल जो संस्कृत का एग्जाम है, तो अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको कल का वीडियो मिलता रहे बिल्कुल फ्री, और आप भी अच्छे से तैयारी करते रहे। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, आप सभी का दिन शुभ हो।